जय हिंद, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू स्टडी पावर पॉइंट। दिस इज अंकित मौर्य। आज जो आपकी वीडियो होगी इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट के कुछ न्यूमेरिकल्स पे होगी, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको इसलिए न्यूमेरिकल बता रहा हूँ, यह पेपर में आता है और 5 मार्क्स का आता है यार। जिस भाई को 5 नंबर चाहिए वह वीडियो अंत तक देखे, और जिसको नहीं चाहिए वो अभी छोड़ के भाग जाए, क्योंकि उसको आगे ज़्यादा कुछ फायदा नहीं होने वाला। ठीक है, चलिए, जो आज का सब न्यूमेरिकल बताए जाएंगे वो EMF पर आधारित बताए जाएंगे, क्योंकि इस वाले पहले चैप्टर में सिर्फ 4 फार्मूले ऑलमोस्ट है, 4 से 5 फार्मूले, उसी पर आधारित न्यूमेरिकल बताए जाएंगे। और बताना चाहता हूँ, अंत में आपको होमवर्क भी मिलेगा ताकि आपकी प्रैक्टिस हो, और जल्द से जल्द आपकी बुक जितना जल्दी हो पाएगा टेलीग्राम पर लगा दी जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, इसलिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। अब आप इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। पहला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि एक 6 पोल की लैप वाइंडिंग, ठीक है, लैप वाइंडिंग को कुंडलन भी बोलते हैं, ठीक है, लैप वाइंडिंग, इसको इस तरीके से ब्रैकेट में, डीसी मशीन के अंदर जनरेटर मोटर दोनों आते हैं डीसी, तो डीसी जनरेटर के आर्मेचर में 90 स्लॉट हैं, मतलब आपका P=, दिया है, यस दिया है, प्रत्येक स्लॉट में 8 कंडक्टर हैं, तो आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, AC दिया है, जो डमें निकालना होगा इन दोनों का गुणा करके। इसकी RPM मतलब कि गति दी है, गति भाई आपका किससे दिखाते हैं, यन से, 1000 RPM, रेगुलेशन प्रति मिनट मतलब चक्कर प्रति मिनट बोलते हैं, प्रति फ्लक्स प्रति पोल 10 मिली वेबर का है, मतलब एक पोल में आपका कितना है 10 मिली वेबर का है फ्लक्स, और तो जनरेटर में उत्पन्न विद्युत वाहक बल आपको ज्ञात करना है। तो इस तरीके से क्वेश्चन अगर दिया है तो आपको सबसे पहले करना यही है कि बिना कुछ सोचे समझे लिख दीजिए वी हैव गिवेन, मतलब दिया क्या गया है, ये चीज आपको कर लेनी है, वी हैव गिवन लिख लीजिए। अब इसमें दिया क्या है ये देख लीजिए, चलिए देखिए, वी हैव गिवन में जो दिया वो सब लिख लेंगे। जैसे इन्होंने पी दे रखा है, पी कितना दिया है, 6 पोल दे दिया है, तो 6 लिख लिए पी की वैल्यू। यहाँ पे देखिए जेड की वैल्यू नहीं दी है, तो जेड निकालने का जो फार्मूला होता है Z=S×C होता है, तो यहाँ पे यस की वैल्यू गाइस स्लॉट जो है वो 90 दिए गए हैं, आप देख सकते हैं 90×C की वैल्यू कितनी देगी, 8। देखिए यहाँ पे काफ़ी लोग गड़बड़ी खा जाते हैं, वो क्या खा जाते हैं भाई, वह इसलिए खा जाते हैं क्योंकि देखो जब स्लॉट की बातें आएंगी तब यह चीज़ करनी होती है, नहीं तो वह डायरेक्ट दे देता है 720 कंडक्टर हैं, 240 कंडक्टर हैं, इस तरीके से ज़्यादा सा कंडक्टर दे देता है, तो समझ जाइए को जेड दिया है और उसमें बोलता भी है, लेकिन स्लॉट की बातें वहाँ तब नहीं होती है, अगर स्लॉट की बातें होती हैं तो वहाँ पर जेड आपको निकालना होगा। अब इसका गुणा कर लेते हैं तो भाई कितना हो जाएगा, आपका 720 आ जाएगा और इतने कंडक्टर, ठीक है, कंडक्टर आपके इतने हो जाएंगे, जेड की वैल्यू आ गई। आगे देखिए क्या दिया है, गति दिया है मतलब यन की वैल्यू कितना दिया भैया, 1000 RPM दिया है, रेगुलेशन प्रति मिनट या चक्र प्रति मिनट बोलते हैं, और क्या दिया है, यहाँ पे फ्लक्स दिया है, फ्लक्स बोले तो फाई, लेकिन दिया कितना है 40 मिली वेबर, तो भैया हम 40 मिली वेबर तो ऐसे नहीं लिखेंगे क्योंकि सभी यूनिट एक सेम में होनी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, Φ=, यहाँ से मिली वेबर को हटा लेंगे, 40×10⁻³ वेबर, यह चीज़ गाइस आपकी हो जाएगी। अब आपको आगे क्या करना है, आपको सूत्र देखना है, ठीक है, कौन से सूत्र से होता है, अब देखिए आप यहाँ पे सूत्र EMF, E=, बोले तो या EMF बोले बात एक ही है, ठीक है, EMF जो आपका होगा, ठीक है, या कुछ लोग बोलते हैं GE भी बोलते हैं, GE छोटा G लिखा रहेगा सफिक्स में, जैसे देखो इस तरीके से GE भी बोल सकते हो क्योंकि जनरेटर का EMF इस तरीके से, तो EMF = आपका क्या हो जाएगा, NP φZ / में क्या हो जाएगा 60A, यही फार्मूला होता है गाइस, आपको पता होना चाहिए, इसी फार्मूले से हम लोग करेंगे। लेकिन आप देखिए यहाँ पे इन्होंने बोल क्या दिया है, लैप वाइंडिंग में आपका क्या होता है कि A = जो होता है ना, ठीक है, लैप वाइंडिंग के लिए आपका क्या हो जाता है, A = P हो जाता है। अब आप यहीं पे साइड में लिखेंगे फॉर लैप वाइंडिंग A = P, ये चीज़ गाइस हो जाएगी। तो आपका यह जो EMF है, देखिए कितना आएगा भाई, EMF जो है आपका यह कितना जाएगा, A = P से कट जाएगा, तो आपका हो जाएगा N φZ/60। तो गाइस आपके यही चीज़ हो जाएगी, आगे कुछ नहीं बचेगा, आपको आगे कुछ नहीं करना है। देखिए क्या करना है, EMF जो आपका है ना, EMF जो है इसको N की वैल्यू रखनी है, मतलब 1000 हो जाएगा भैया आपका, 1000×φ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40×10³ हो जाएगा। जस्ट उसके बाद जेड की वैल्यू रखनी है, जेड की वैल्यू आपकी कितनी है 720 है, 60 आपका हो जाएगा।
कैसे सरल करोगे? देखो 1000 है, मतलब 1000 को क्या लिखते हैं भाई, 1000 को 10^3 लिखते हैं, तो 1000 10^3 कैंसिल आउट, ठीक है। चलिए आगे अब आपका देखिए क्या बचा है, यहाँ पे देखिए यह जीरो से यह जीरो आपका कैंसिल हो जाएगा भाई आपका, ठीक है। अब इसको अगर काट देते हैं, देखो 12×6 72, तो यहाँ पे 12 आ जाएंगे भाई, 12 आ जाएंगे इस तरीके से। अब EMF इज इक्वल टू देखो कितना बचा, EMF इज इक्वल टू बचा हमारे पास बचा 40×12, अगर 40×12 करेंगे तो 12×4 48, आपका टोटल कितना हो जाएगा 480 आ जाएगा। मतलब क्या हुआ, EMF इज इक्वल टू 480 वोल्ट, ठीक है। मतलब जो हमारा यह मशीन थी, ठीक है, यह जो हमारा लैप वाइंडिंग के जनरेटर बनाए गए थे, यह हमारा इस मतलब जो डिटेल्स पे बातें की गई उसमें 480 वोल्ट का भाई EMF प्रोड्यूस हो रहा है। तो आपने देखा कि कितने अमेजिंग तरीके से हमने यार फर्स्ट क्वेश्चन को कर लिया। अब हम लोग चलते हैं यार सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन पर और उसको देखते हैं कि किस तरीके से करना है। आप देखिए आपके सामने, ये हमने कॉपी लगा रखी है क्योंकि थोड़ा सा लिखने में आसानी होती है। आप देखिए आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है। इस क्वेश्चन में यह बोला जा रहा है कि एक 4 पोल की वेव वाइंडिंग है, वेव वाइंडिंग का आ गया तो इसका मतलब जो ए बराबर होगा उसकी वैल्यू 2 हो जाती है वेव वाइंडिंग में। वाइंडिंग को कुंडलन बोलते हैं। डीसी जनरेटर है, 45 स्लॉट कटे हैं, मतलब वही जेड निकालना है आपको यहाँ पे, तथा प्रत्येक स्लॉट्स में 18 कंडक्टर्स हैं। जनरेटर का EMF दे दिया है, फ्लक्स दे रखा है, कहा कि गति ज्ञात कीजिए, मतलब कि वही आपका यन ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले आपको हमने बता दिया भाई लिखना क्या होता है, वी हैव गिवन, मतलब दिया क्या गया है, वो चीज हिंदी में लिख सकते हैं दिया क्या है। तो अब देखिए P = 4 पोल दिया है, ठीक है, P = 4। Z = क्या दिखा, Z फार्मूला क्या होता है, S × C होता है, S की वैल्यू आपकी 45 है, C की वैल्यू आपकी 18 है। अब 18 और 45 का गुणा अगर आप करते हैं तो 810 आएंगे कंडक्टर, ठीक है, कंडक्टर हो जाएंगे इस तरीके से आपके हो जाएंगे, जेड की वैल्यू आ गई। उसके बाद क्या दिया है, उसके बाद देखिए आपका EMF दिया है, EMF कितना दिया गया इस 240 वोल्ट दिया गया है, EMF 240 वोल्ट। उसके बाद देखिए फ्लक्स दिया है, फ्लक्स बोले तो फाई कितना दिया है, 6 मिली वेबर, लेकिन इसको हम मिली वेबर को कनेक्ट करेंगे 6×10^3 कितना हो जाएगा भाई, 10^3 आपका -3 हो जाएगा वेबर, क्योंकि सभी यूनिट सेम में होनी चाहिए, एक ही यूनिट में होनी चाहिए, ठीक है, तो सब आपकी यूनिट सेम हो गई। अब गाइस सब चीज़ें तो आ चुकी हैं, अब हम क्या करेंगे, देखो हमें क्या निकालना है, गति निकालनी है, ठीक है, यन निकालनी है, तो इस तरीके से कर लेंगे, ऐसे हमें यन निकालनी है। और इस पीछे वाले में देखिए हमने यहाँ पे लिखा नहीं, लेकिन आप लिख लीजिए यहीं पे, भैया हमें यहाँ पे EMF फाइंड करना था, हमें यहाँ पे EMF ज्ञात करना था, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे कर लीजिएगा क्योंकि पता चल जाएगा थोड़ा अच्छा और लग गया, तो इस तरीके का। अब गाइस हम क्या करेंगे, सूत्र इस्तेमाल करेंगे, देखिए कौन से सूत्र से, सूत्र आपके EMF, ठीक है, EMF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, NP/Z/60A से, ठीक है। लेकिन आपकी बात हो रही है भैया यहाँ पे वेव वाइंडिंग से, आपकी बात किससे हो रही है, आपकी वेव वाइंडिंग से, पहले रुको वेव वाइंडिंग तो अभी करेंगे ही, थोड़ा सा रुक जाओ यहाँ पे, हमें यन निकालना तो सबको एक तरफ कर लो भाई, तो हमें जब यन का फार्मूला निकालना है तो यन निकालोगे तो क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा EMF हो जाएगा × 60A हो जाएगा, बटे में आपका क्या बचेगा भाई, आपका बचेगा P बचेगा, फाइव बचेगा, जेड बचेगा, तो सबकी वैल्यू फटाफट रख दीजिए गाइस। तो सबकी वैल्यू आप रखेंगे, देखो यन इधर थोड़ा सा रखते हैं तो सॉल्व करने में थोड़ी आसानी रहेगी। EMF कितना दिया भाई, 240 वोल्ट का दिया है, गुड़े आपका 60 तो रहेगा ही, गुड़े ए इसलिए क्योंकि ए का मतलब 2 रखेंगे क्योंकि वेव वाइंडिंग है, तो यहाँ पे आपका यहाँ पे आपका 2 हो जाएगा, ठीक है, ये आपका 2 हो जाएगा। अब बटे में पी की वैल्यू रखते हैं, पी की वैल्यू आपकी कितनी, 4 है, गुड़े फाइव की वैल्यू कितनी है आपकी, 6×10^-3 है, जेड की वैल्यू कितनी है, 810 है। सो गाइस आपके इस तरीके से सभी डिटेल्स यहाँ पे देख सकते हैं, फिल कर दी जाएंगी जितनी भी सब चीज़ें थी। अब हम लोग क्या करेंगे भाई, आगे के स्टेप को देखते हैं, आगे के स्टेप को कैसे देखेंगे, ये देखिए इसको बस सरल करना है भाई, तो सरल देखो कैसे करोगे, यहाँ पे देखो 60 है ना, 60 को देखिए सरल, 1 0 से पहले इसका 0 काट लीजिए, ठीक है, और बचा जो आपका यह 6 बचा है, ठीक है, यह 6 जो आपका बचा है यहाँ पे, इसको ये 6 से 6 कर दिए, यह देखिए बचा है आपका, ठीक है, यह बचा आपका 4×6 = 24, यानी आपका 60 हो जाएगा। तो यन इज इक्वल टू गाइस आपका बच क्या गया, पहले ये देखिए यन इज इक्वल देखिए 60 है और यहाँ पे 2, तो 120 हो जाएगा, ठीक है, 120 हो जाएगा, और यह 10^3 यह ऊपर चला जाएगा, तो यह देखिए 10^ इस -3 था तो +3 हो जाएगा, और नीचे क्या आपका बचेगा भाई, नीचे आपको ओनली 81 बच जाएगा,
81। अब देखिए कैसे होगा, अब देखिए 120 तो ऐसे रहेगा, लेकिन 10^3 है ना, 3 जीरो एक्स्ट्रा हो जाएंगे, 1, 2, 3, 1000 से गुणा, बटे में गाइस आपका क्या हो जाएगा, 81 हो जाएगा। मतलब कि n इज इक्वल टू, अभी इसका भाग देना है, आप भाग दीजिए कितना आएगा मैं आपको बता देता हूँ, 1.48 इस तरीके से आएगा। आप इसको यहीं पे बोल सकते हैं भैया कि आपका इतना क्या हो जाएगा, आपका इतना RPM हो जाएगा, RPM रेगुलेशन प्रति मिनट आ जाएगा, या आप इसको n इज इक्वल टू 1481 भी बोल सकते हैं, या फिर इसको आप बोल दीजिए 1482 इस तरीके से RPM, ठीक है, RPM आप दोनों कोई बोल सकते हैं, कोई दिक्कत खास नहीं। हालांकि इस पे सार्थक अंक की बात करेंगे तो इस तरीके से 4 है, मतलब 5 होता तो इस तरीके से बढ़ जाता, लेकिन 4 है तो 1082 आप कर सकते हैं अगर दशमलव हटाना वगैरह चाहते हैं, लेकिन 81 कर देंगे कोई दिक्कत नहीं, यही गाइस आपका आंसर हो जाएगा। तो आपने देखा कि गाइस कितनी अमेजिंग तरीके से हमने इसको सॉल्व वगैरह कर लिया, और बिल्कुल मज़ा आ गया यार। मैं आपको दिखाता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 को, बहुत ही अच्छा लगेगा यार क्वेश्चन नंबर 3 को करने में। ये देखो क्या कहा जा रहा है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में दोस्त यह कहा जा रहा है कि एक 2 पोल की मशीन है, तरंग कुंडल को वेव वाइंडिंग बोलते हैं, वेव वाइंडिंग आ गया मतलब ये बराबर 2 रखा जाएगा, डीसी जनरेटर में 22.5, ठीक है, 22.5 स्लॉट्स हैं, खाचे कटे हैं, और प्रत्येक स्लॉट्स में 9 कंडक्टर्स हैं। यदि जनरेटर का ईएमएफ इतना हो तो फ्लक्स प्रति पोल, मतलब फ्लक्स प्रति पोल भाई इतना दिया गया है, तो जनित की चाल ज्ञात करनी है, ठीक है, तो इसमें जनरेटर की चाल ज्ञात करनी है, मतलब समझ रहे हो ना क्या करना है। तो गाइस ये अभी मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ा हूँ, हालांकि मैं आपको पहले बता देता हूँ कैसे करना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ईजी तरीके से हो जाएगा। सबसे पहले आपको बिना कुछ किए हुए वी हैव गिवन लिख देना है, मतलब क्या क्या हमें दिया गया है, दिया क्या गया, पी बराबर 2 दिया गया भाई, पी बराबर 2 हो जाएगा, वेव वाइंडिंग हो तो आपको पता ही है, अगर देखिए जेड निकाल लेते हैं तो क्या हो जाएगा, यस गुड़े सी हो जाएगा, स्लॉट कितने हैं, 22.5 स्लॉट्स कटे हुए हैं, गुड़े सी की वैल्यू कितनी भाई, 9 कंडक्टर्स हैं। अब इन दोनों का गुणा अगर कर लेंगे तो गुणा करेंगे तो भाई कितना आएगा, गुणा करेंगे तो आपका आएगा 202.5 इस तरीके से कंडक्टर, इस तरीके से आपके कंडक्टर इतने हो जाएंगे। जस्ट देखिए ए बराबर, यहाँ पे आप देख सकते हैं ए की वैल्यू कितनी दी गई थी आपकी, ठीक है, यहाँ पे हम लोग कर ले, हाँ ए बराबर 2 रहेगा, वो तो आप अपने से कर सकते हैं, ए बराबर 2, क्योंकि भैया आप ए बराबर अपने से 2 इसलिए क्योंकि वे बाइंडिंग है। उसके बाद और चीज क्या दिया, और हमें दिया गया फाई, दिया गया भाई फाई, दिया गया कितना, 3 मिली वेबर, तो हम इसको ये अभी लिख सकते हैं 3×10^-3 वेबर हो जाएगा। उसके बाद हमें ईएमएफ भी दे रखा है भाई, ईएमएफ है तो ईएमएफ कितना है, 120 वोल्ट का ईएमएफ भी इन्होंने दे रखा है, तो इस तरीके से गाइस कुछ हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए हमें आगे क्या करना है, ठीक है, आगे हम जो सूत्र इस्तेमाल करते हैं उस सूत्र पर चलेंगे, सूत्र E इज इक्वल टू एन पी फाई जेड अपान में 60 ए से, लेकिन हमें यहाँ से भाई चाल निकालनी है, ठीक है, हमें एन की वैल्यू हमें यहाँ से निकालनी है, तो एन को एक तरफ बाकी सबको एक तरफ, तो क्या हो जाएगा आपका, आपका एन इज इक्वल टू हो जाएगा ई लिखे मतलब ईएमएफ आपका है, ठीक है, इसको ईएमएफ भी कर सकते हैं, गुड़े 60 ए हो जाएगा, बटे में पी फाई जेड हो जाएगा। अब देखिए सबकी वैल्यू बस फटाफट से रख लेते हैं, एन इज इक्वल टू ईएमएफ कितना दिया भाई, 120 वोल्ट दिया है, गुड़े आपका 60 गुड़े आपका 2 हो जाएगा, बटे में पी की वैल्यू कितनी दी है, पी की वैल्यू आपकी 2 दी है, गुड़े फाई की वैल्यू कितनी है, 3×10^-3 है, गुड़े जेड की वैल्यू कितनी दी है भाई, जेड की वैल्यू 202.5 इस तरीके से गाइस आपका देख सकते हैं सब कुछ दिया गया है। तो भाई आपको क्या करना है ना, आपको सॉल्व करना है, जो भी आंसर आएगा उसको आरपीएम में लिख लेना है। तो मैं आपको आंसर बता देना चाहता हूँ कितना आंसर आपका आएगा, आपका एन इज इक्वल टू आएगा भाई आपका 11852 आरपीएम। इसको गाइस आपको सॉल्व कर, मतलब ऐसे सॉल्व करके, मतलब इतना जो बचा है भाई इसको सॉल्व करके इसी व्हाट्सएप पर भेजना, ताकि मुझे पता चल पाए यार कि आप लोग पढ़ाई कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो इसी व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर देना ताकि मुझे पता चल जाए। तो आपने 3 क्वेश्चन देख लिए, चलिए मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलो, पहले देखो क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि 4 पोल की लैप वाइंडिंग अगर आ गया तो भैया ए बराबर पी रखना, मतलब ए पी से कैंसिल हो जाएंगे, कुंडली मतलब वाइंडिंग, डीसी जनरेटर में 52 स्लॉट्स हैं और प्रत्येक खाचे में 20 कंडक्टर्स हैं, तो जनरेटर की चाल ज्ञात कीजिए, ठीक है, मतलब वही आपका
यानी ज्ञात करना है, जस्ट उसके बाद प्रेरित ईएमएफ वोल्टेज दिया है, फ्लक्स प्रति पोल दिया है। तो किस तरीके से इस क्वेश्चन करेंगे, सबसे पहले वही पुराना वाला ही चीज आप कर लीजिए, वी हैव गिवन मतलब दिया क्या गया है, दिया है गाइस P इज इक्वल टू 4 दिया गया है, ठीक है। Z इज इक्वल टू बात करें तो यस गुड़े C होता है, यस गुड़े C, और यस की वैल्यू आपकी, यस मतलब शॉर्ट, C मतलब कंडक्टर, तो यहाँ पे 20 हो जाएगा। अब 52 दूना आपका कितना हो जाएगा गाइस, आपका 104 हो जाएगा, ठीक है, 104 हो जाएगा यहाँ पे, और एक जीरो बचा है तो 10 40 हो जाएगा, इतने कंडक्टर आपके हो जाएंगे Z की वैल्यू। उसके बाद गाइस अगर हम बात कर लेते तो इतने हो गए, EMF इज इक्वल टू कितना होगा, EMF इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 250 वोल्ट का आपका EMF होगा। फ्लक्स की बात करें मतलब फाइव फ्लक्स की, तो कितना 6 मिली वेबर हो जाएगा, मतलब 6 गुड़े 10^-3 वेबर हो जाएगा। उसके बाद निकालना क्या है भाई, हमें यन की वैल्यू निकालनी है, तो हम यन बता देंगे कि निकाल लें। आपको क्या करना है, सूत्र वही लगा लेना, पुराना वाला सूत्र, ठीक है, आपका E इज इक्वल टू, या बोले EMF इज इक्वल टू फार्मूला एन पी फाई जेड अपान में 60 ए से, इसी फार्मूले से आप काम कर रहे हैं, तो इसी फार्मूले से कर रहे हैं, तो भाई एन निकालना है तो एक तरफ कर लो भाई, ठीक है। और यहाँ पे देखो इधर ही मतलब जब करोगे तो यहीं पे लिख लेना ए बराबर पी, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि लैप वाइंडिंग है, तो अब देखिए ए बराबर पी से तो कैंसिल हो जाएगा, तो फार्मूला आपका जो बनेगा एन इज इक्वल टू वो बनेगा EMF गुड़े 60 हो जाएगा, बटे में आपका क्या हो जाएगा भाई, आपका सिर्फ फाई और जेड, यही दो चीज़ें बचेंगी, फाई और जेड बचेंगी। अब पी से पी से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि लैप वाइंडिंग है। अब यहीं से आपको यन निकाल लेना है, तो यन कैसे निकलेगा भाई, देखो EMF कितना दिया है, 250 वोल्ट गुड़े 60, फाई की वैल्यू कितनी दी है, 6 गुड़े 10^-3 गुड़े जेड की वैल्यू दी कितनी है, 10 40। यह चीज़ गाइस आपकी दी गई है, आपको इसी को बस सॉल्व कर देना है, और ये छोटा सा काम दे रहा हूँ यार, इतना नहीं कर सकते मेरे लिए, बिल्कुल कर सकते हो यार। इतना करने के बाद आंसर कितना आएगा मैं आपको बता देता हूँ, आंसर गाइस आपका आ जाएगा 2404 RPM, रेगुलेशन प्रति मिनट या चक्कर प्रति मिनट बोलते हैं। इसको सॉल्व करना है, बाकी बचे हुए जो इसके स्टेप्स मैंने छोड़े हैं इसको सॉल्व करके मेरे व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर भेज दो। चलिए 4 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, और उसके बाद एक आपके लिए होमवर्क रहेगा। अब यह क्वेश्चन आप एकदम ध्यान से देखेंगे, क्योंकि एक गड़बड़ी आपका भैया सब कुछ खत्म कर सकते हैं। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक 6 पोल मतलब 6 ध्रुव की एक डीसी मशीन है, जनित्र है मतलब जनरेटर है, आर्मेचर में 720 कंडक्टर है। अब इन्होंने 720 कंडक्टर बोला है ना, तो मतलब टोटल जेड गुड़े जो हम लोग सी मतलब यस गुड़े सी इज इक्वल टू जेड होता था, वह चीज़ इन्होंने जेड की पूरी वैल्यू निकाल के पहले से दी है, तो हमें यहाँ पे यस गुड़े सी करने की जरूरत नहीं है, तो इसी बात का आप ध्यान दीजिएगा। तथा वह मतलब 1500 RPM की गति से घूम रहा है, यदि फ्लक्स प्रतिपोल इतना है तो निम्न दशाओं में EMF आपको, एक बार वेव वाइंडिंग के लिए, एक बार लैप वाइंडिंग के लिए। तो चलिए हम लोग फटाफट से कर लेते हैं, तो सबसे पहले गाइस हम लोग क्या करते हैं ना, जो दिया गया है वो लिख लेते हैं, ठीक है। We have given, ठीक है, या हिंदी में बोले तो दिया है, तो इस तरीके से जाएगा। अब दिया क्या भाई, आपका P इज इक्वल टू आपका 6 दिया है, ठीक है, P इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू दिया है 720 कंडक्टर, ठीक है, 720 कंडक्टर दिया है। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है, ये आपका यन है, यन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1500 RPM हो जाएगा, 1500 RPM हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका फाइ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.02 वेबर दिया है। अब देखिए इन्होंने वेबर दे रखा है, तो गाइस आप ध्यान दीजिए, मिली वेबर वगैरह नहीं है तो इसे चेंज नहीं करना, क्योंकि वेबर में हमें चाहिए और सेम चीज है। अब हमें EMF ज्ञात करना है भाई, EMF आपको ज्ञात करना है भाई, क्या ज्ञात करना है, EMF इज इक्वल टू EMF आपको फाइंड करना है। तो कैसे करोगे, फर्स्ट स्टेप में यहाँ लिखोगे, ठीक है, फर्स्ट स्टेप में फॉर वेव वाइंडिंग, ठीक है, नहीं इन करके लगा कुछ भी लिख लो, ठीक है, इन, पहले हम वेव वाइंडिंग के लिए कर रहे हैं इसलिए लिखेंगे इन वेव वाइंडिंग। अब भाई इन वेव वाइंडिंग की बात कर रहे हैं तो देखिए कैसे करेंगे, इज इक्वल टू जो फार्मूला होता है, ठीक है, आपका होता है एन पी, ठीक है, एन पी फाई जेड अपान में 60 ए, इस तरीके से हो रहा है। लेकिन दोस्त ध्यान देना, हम वेव वाइंडिंग की बात कर रहे हैं इसलिए ए बराबर 2 हो जाएगा, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं। यन की वैल्यू देखो यहाँ से क्या करना है भाई, EMF निकालना है, तो यन की वैल्यू हमें कितनी दी है, 1500 दिया है, तो हम 1500 भर लेते हैं। पी की वैल्यू हमें 6 दिया है, फाई की वैल्यू देखिए आपको कितनी दिया है, आप देख सकते हैं यहाँ से फाई की वैल्यू 0.02
जीरो दो दिया है, गुड़े जेड की वैल्यू कितनी दी है 720 दिया है, इस तरीके से हो जाएगा। अब नीचे क्या दिया भाई आपका 60 हो जाएगा और एक गुड़े मतलब एक जगह पर दो दो, इसलिए क्योंकि हम वेवाइंडिंग कर रहे हैं, तो इस तरीके से हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसी को पूरा भैया सॉल्व करना है, तो कितना आएगा वो हमें कमेंट बता दीजिएगा। मैं आपको बता देता हूँ कितना आएगा, 1080 आएगा, बिकॉज मैं इसको कैलसिस अपने कर लिया तो आसान हो गया। इतने वोल्ट का EMF आपका वेवाइंडिंग के लिए प्रोड्यूस होगा। जस्ट हम बात कर लेते हैं सेकेंड स्टेप पर। सेकेंड स्टेप पर अगर हम बोले तो कौन सा चीज़ बात कर रहे हैं, इन लैप वाइंडिंग, ठीक है, इन लैप वाइंडिंग, इन लैप वाइंडिंग के लिए कर लेते हैं। तो लैप वाइंडिंग के लिए अगर करते हैं तो भाई क्या हो जाएगा आपका, वही फार्मूला लगेगा, इज इक्वल टू NP∅Z अपान में 60A, यही चीज़ हो जाएगा। अब यन की वैल्यू भाई आपकी कितनी दी है, 1500 हो जाएगा, ठीक है, 1500 गुड़े पी के मतलब 6 गुड़े फाइव मतलब 0.01 सेकेंड। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लैप वाइंडिंग है तो ए बराबर पी होता है, इसलिए इस 6 को भाई हम हटा देंगे, ठीक है, 6 को हम हटा देंगे क्योंकि ए बराबर पी है, ठीक है, ए बराबर आप पी कर लीजिए यहाँ पे बता दीजिए। और यहाँ पे भाई आपका क्या था, ए बराबर 2 था इसके लिए क्योंकि ये लैप वाइंडिंग है, तो यहाँ 6 हो जाएगा तो 0.02 हो जाएगा। अगुड़े जेड की बात करें तो 720 कंडक्टर है, बटे में आपका 60 हो जाएगा। अब आपको क्या करना भाई, अब आपको कुछ नहीं करना, बस इसी को सरल करना, देखो 0 से 0 कर देंगे, अच्छा 12 हो जाएगा, और बाकी सबका गुड़ा कर लो यार, ठीक है, बाकी सबका गुड़ा कर लो तो कितने आएंगे मैं आपको बता देता हूँ। ये देखो कैसे गुड़ा करोगे, इसका गुड़ा अगर ये 2 0 इसको दे दोगे तो यह 2 हो जाएगा और 12 2 24 हो जाएगा और यह 15 हो जाएगा, ठीक है, 15 हो जाएगा गुड़े आपका कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। अब कर लेते हैं गुड़ा भाई, इज इक्वल टू 15 15 4 कितना 60 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कैरी आपका 6 आ जाएंगे। अब 15 9 30 और 30 6 36 हो जाएगा, 360 बोल्ट का EMF इसमें प्रोड्यूस होगा भाई, आपका ये आंसर हो जाएगा। इस तरीके से एक आंसर यह हो जाएगा। आपने देखा कि कितनी अमेजिंग तरीके से यार इसी न्यूमेरिकल्स हम लोग लगा रहे हैं, मज़ा आ जा रहा है मेरे को तो। अब देखो मैं एक होमवर्क आपको दे देता हूँ, पर्सनली यह होमवर्क आपके लिए दिया गया है, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, डरने वाली कोई बात नहीं। अब देखिए कहा गया है इस क्वेश्चन में कि एक ध्रुव तरंग कुंडलन, तरंग कुंडलन का मतलब क्या होता है भाई आपका, ठीक है, तरंग कुंडलन मतलब वेव वाइंडिंग, वेव को तरंग बोलते हैं, तरंग मतलब वेव है आपका, ठीक है, वेव वाइंडिंग की गई है, वेव वाइंडिंग है, वेव वाइंडिंग आ गया मतलब ए बराबर 2 रखना है, ठीक है, ए बराबर 2 रखना है। जनित की गति क्या होगी, मतलब यन निकालना है, आपको क्या क्या दिया वो देख लीजिए पहले। यहाँ पे हमने बता दिया कि भाई ए बराबर आप 2 रखेंगे और निकालना क्या है, जनित की गति मतलब यन निकालना है। और उसके बाद क्या दिया गया है, EMF दिया गया है, EMF कितना 480 वोल्ट का दिया गया है। उसके बाद फ्लक्स दिया गया ∅ 0.60 वेबर का दिया है। आर्मेचर कंडक्टर की संख्या मतलब जेड की वैल्यू दी है, जेड की वैल्यू 660 इस तरीके से दे दी गई है, कंडक्टर, ठीक है, कंडक्टर इस तरीके से। तो आप यह मतलब यही फार्मूला लगा देना ना, EMF इज इक्वल टू NP∅Z/60A इस तरीके से। तो आपको क्या करना है, यहाँ से यन निकालना है, तो भाई आप यन को एक तरफ कर लेना, बाकी बचा जो इसको देखो इस तरीके लिख लेना, EMF हो जाएगा गुड़े आपका 60A हो जाएगा और यहाँ पे पी फाई और जेड इस तरीके से इस वाले फार्मूले से लगा लेना। जो आएगा भैया उसको आप बोल देना कि भैया इसकी जो स्पीड मतलब RPM कितने RPM से यह घूम रहा है, आप यहाँ से अच्छे से बिल्कुल ईजी तरीके से फाइंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो यही थी आज की वीडियो यार, पूरी तरीके से जो EMF इक्वेशन है उस पर आधारित सभी न्यूमेरिकल बताए गए। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आए, इसको सॉल्व करके भेजना भी है, ठीक है, ऐसे मत छोड़ देना। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, फैलाइए अपने दोस्तों के पास ताकि उनको भी पता चल पाए भाई कि क्लास चल रही है आपकी मशीन वगैरह की, वो क्लास को अटेंड करें। तो आज के लिए इतना यार, मिलता हूँ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।